हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वित्तीय प्रबंध के कार्य के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो है एफएम की जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और जो बहुत से आपके पॉइंट्स थे उनके बारे में आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वित्तीय प्रबंधक के कार्य कि किसी भी फर्म में वित्तीय प्रबंधक जो होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे हमारे जब हम किसी फर्म का मैनेजमेंट करते हैं तो उस फर्म के मैनेजमेंट में वेरियस टाइप्स की पोस्ट होती है और वेरियस टाइप्स के पर्सन होते हैं, बट एफएम जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा कैपेबल और सबसे ज़्यादा बर्डन भी इसी पर होती है, क्योंकि टोटल जो हमारी पूरी बिजनेस यूनिट है इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द वर्क ऑफ एफएम। एफएम के कार्यों पर ही पूरे व्यावसायिक प्रबंध, व्यवसाय की जो है वो सफलता निश्चित करती है। तो एक वित्तीय प्रबंधक के जो कार्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करते हैं किसी भी फर्म के जो है बेटर वे में ऑपरेट करने के लिए। तो वित्तीय फर्म के कार्यों के बारे में हमारे यहाँ जितने भी अलग अलग जो राय होती है अर्थशास्त्रियों की वो अलग अलग है, कोई एक मत नहीं है कि रियल में वित्तीय प्रबंधक के ये सुनिश्चित कार्य हैं, ऐसा कुछ डिटर्मिनेशन नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू देर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एफएम, रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग एंड डेली रूटीन। तो आज मैं आपको सबसे पहले 3 प्रकार के वित्तीय प्रबंध के कार्यों के बारे में बता रही हूँ। पहला है आपके आवृत्ति कार्य, दूसरा अनावृत्ति कार्य और तीसरा है आपके नैतिक कार्य। तो पहले जो होता है आवृत्तिक कार्य, आवृत्तिक कार्य वह कार्य होते हैं जो एक फर्म के एफएम को बार बार करने पड़ते हैं, इनको इसको बार बार करना पड़ता है, इनकी आवृत्ति कई बार होती है। इट मीन्स ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलने वाले काम होते हैं। तो फर्म के जो भी टारगेट, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन टारगेट और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एफएम को ये कार्य जो होते हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस में करने पड़ते हैं और किसी फर्म के कुशल संचालन के लिए इन कार्यों का होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर लो, आवृत्ति फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जो फर्म को रोज करने पड़ते हैं, नित्य रूप से करने पड़ते हैं और ये जो कार्य होते हैं फर्म के कुशल संचालन और फर्म के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सतत रूप से एक वित्तीय प्रबंधक को किसी भी व्यावसायिक फर्म में करने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कोषों का नियोजन, कि एक वित्तीय प्रबंधक को सबसे पहले फंड की प्लानिंग करनी पड़ती है कि कोषों को रियल में कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग क्या होगी, कैपिटल की क्वांटिटी कितनी होगी, किस किस सोर्सेज से कितनी कितनी कैपिटल जो है वो ली जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है आपकी, अल्पकालीन जो पूंजी की आवश्यकता उसको कैसे पूरा किया जाएगा, दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी। तो वेरियस टाइप्स के जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं कि केवल मात्र आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर प्रिपेयर करनी है ताकि उस फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप जो है एक प्रॉपर अमाउंट में फंड प्राप्त कर सको और उस फंड से एफएम आप जो है सारी फर्म की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सको। तो एफएम का कार्य होता है सबसे पहले एक सुदृढ़ वित्तीय योजना बनाना, एक प्लानिंग प्रिपेयर करना। प्लानिंग होता है कि आप किसी भी काम को करने से पहले जो प्रिपेयर करते हो वो प्लानिंग कहलाती है। तो एफएम का काम होता है एक स्ट्रांग प्लानिंग प्रिपेयर करना ताकि उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक सुदृढ़ वित्तीय योजना के अनुसार आप आगे के कार्य स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट करते जाओ और वित्तीय कार्यों के अग्रिम निर्धारण कर लेना और रियल में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किस किस एक्टिविटी में कितनी होगी इसका भी डिटर्मिनेशन कर लेना, उसको बोलते हैं अग्रिम वित्तीय कार्यों का निर्धारण करना, कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि किस कार्य के लिए कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिपेयर कर रहे हो उस प्लानिंग में आपके पास जितने भी कोष हैं उन कोषों का आप समुचित प्रयोग कर सको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सको, इस बात पर भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा एक फर्म के एफएम को कि जो भी मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो भी मैंने सोर्सेस कलेक्ट किए उनका मैं समुचित प्रयोग करूं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूं। अब फर्म की जो नीड्स है वो डिफरेंट टाइप्स की है,
कुछ आपकी शॉर्ट टर्म की नीड है, कुछ आपकी लॉन्ग टर्म की नीड है। तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तो अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए अल्पकालीन सोर्सेस को सेलेक्ट किया जाए और दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको लॉन्ग टर्म के सोर्सेस जो है एटलीस्ट उसको चूज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उसको सोचना है कि पूंजी की मात्रा कितनी होगी। आपकी जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो FM को ये सोचना होगा कि पूंजी की कितनी मात्रा होगी, कुल मिला के कितनी क्वांटिटी में कैपिटल को इशू किया जाए, किस किस सोर्सेस से जो है वो पूंजी प्राप्त की जाए। तो विभिन्न स्रोतों का चयन करना होगा, उसको चुनाव करना होगा विभिन्न स्रोतों का कि ये होगा। उसके बाद जो कैपिटल मिली है आपको, पूरी जो पूंजी मिली है, उस पूंजी को आप चालू संपत्तियों और स्थायी संपत्तियों में किस प्रकार उनका विनियोजन करना है, ये सब आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट होगा। और एक FM को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इन सब चीजों को देखना होगा। तो पहला फंक्शन होता है वित्त का नियोजन, उसके बाद दूसरा आता है कोषों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ फंड। जब आप पूरी प्लानिंग प्रिपेयर कर चुके हो कि हाँ मुझे ऐसे काम करना है, इस स्टाइल से करना है, इतने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये करंट कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल, तो अब आपने वो तो सब कुछ डिटरमिनेट कर दिया। अब बात आती है फंड को कलेक्ट करने की, कि जो भी टास्क को कंप्लीट करना है, टारगेट को अचीव करना है, तो फंड को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो इसके लिए उसको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास लॉन्ग टर्म भी नीड है और आपकी शॉर्ट टर्म की नीड है, तो आपके लॉन्ग टर्म की नीड को फुलफिल करने के लिए आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो या फिर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो या फिर आप लोन ले रहे हो, ये देखना है। शॉर्ट टर्म के लिए अगेन प्रिफरेंस शेयर कर रहे हो, डिवेंचर कर रहे हो, लोन कर रहे हो, ये देखना है। तो सबसे पहले उसको फंड को कलेक्ट करते समय नीड को देखना है कि रियल में फर्म की बेसिक नीड किस स्टाइल की है। लॉन्ग टर्म के लिए उसको ऑलमोस्ट इक्विटी शेयर पर ध्यान देना चाहिए, और अगर ऋण आसानी से बहुत कम ब्याज दरों पर मिल रहा है, बहुत ही रिलायबल रेट पर मिल रहा है, तो आप उसको भी दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये अब ये देखना है कि अगर मुझे अंश इक्विटी क्षमता अंशों से लेना है तो मैं अंडरराइटर को अपॉइंट करूं ताकि वो सेल कर करके वो मुझे कैपिटल ला करके दे दे। तो अंशों से ले रहे हो चाहे ऋण पत्रों से ले रहे हो, अगर आपको किसी को अभिगोपक नियुक्त करना है तो आप उस अंडरराइटर को भी अपॉइंट करने का काम भी आपका है, ताकि फंड का कलेक्शन आसानी से हो सके, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हो सके। तो FM का ये निर्णय जो होता है उपक्रम की, अब FM ने जो डिसीजन लिया फंड को कलेक्ट करने का, उसमें आप फर्म की लाभदायकता का भी ध्यान रखोगे कि रियल में फर्म की लाभदायकता कैसी है, क्योंकि लाभदायकता के अनुसार ही आप वापस जो है वो इंटरेस्ट या फिर आप डिविडेंड, ये दोनों पे कर पाओगे, या तो आप ब्याज जो दे रहे हो वो ब्याज और लाभांश जो दे रहे हो, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो फर्म की लाभदायकता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फर्म के लाभ अच्छे हो रहे हैं तो आप अच्छी रेट से डिविडेंड दे सकते हो, अच्छा इंटरेस्ट जो है वो दे सकते हो, और अगर फर्म के लाभों में कहीं ना कहीं कमी है तो आपकी डिविडेंड की रेट और इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्म की लाभदायकता कैसी है, उसी तरीके के से सोर्स कलेक्ट करो। फर्म की रिसेंट टाइम की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वर्तमान वित्तीय स्थिति कैसी है फर्म की, ये भी जब आप फंड का कलेक्शन करोगे तो ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वित्तीय संस्थाओं की सहायता मिल सकती है नहीं मिल सकती है, क्रेडिट जो कलेक्ट करना है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, और आपके पास जितने भी अल्टरनेट हैं उन अल्टरनेट में से बेस्ट अल्टरनेट को चूज किया जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या बहुत कम रेट ऑफ डिविडेंड पर आपको कैपिटल जो है वो प्राप्त हो सके। तो अनुकूल शर्तों पर आपको अधिकतम वित्त की प्राप्ति हो सके, ऐसा कार्य जो है वो FM को करना होगा। अब थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है कोषों का आवंटन, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने फंड को कलेक्ट कर लिया, अब आपको वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैसा आ गया, अब जितने भी डिपार्टमेंट है, जितनी भी एक्टिविटीज है फर्म की, वेरियस टाइप्स के आपके डिपार्टमेंट होते हैं और वेरियस टाइप्स की एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो जितने भी डिपार्टमेंट है, अब इन डिपार्टमेंट में आपको जो भी आपने फंड कलेक्ट किया है उसको आपको एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये काम भी FM का ही माना जाता है। तो साधनों के आवंटन में सबसे पहले आपको प्रतियोगी प्रयोगों को देखना पड़ेगा,
जब भी आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका और अल्टरनेट यूज क्या है, इसका कम्पिटिटिव यूटिलाइजेशन क्या है, उसके प्रतियोगी प्रयोग को भी आप देखोगे कि 2 करोड़ यहाँ दे रहा हूँ, 2 करोड़ यहाँ दे रहा हूँ, तो बेटर रिजल्ट मुझे कौन दे रहा है, उसका भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद लाभदायकता की ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इनमें से किस डिपार्टमेंट की आ रही है, उस पर जिसकी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको ज़्यादा फंड को अलोकेट करना पड़ेगा। उसके बाद किसकी नीड्स सबसे ज़्यादा है, कि पैकिंग को अगर कम भी दिया तो चल जाएगा पर परचेजिंग को मैं कम नहीं दे सकता क्योंकि रॉ मटेरियल को परचेज किस स्टाइल से किया जाएगा, तो आपको इनकी अनिवार्यता को भी देखते हुए फंड को अलोकेट करना पड़ेगा। उसके बाद संपत्तियों का प्रबंध करना, यहाँ तो आपने एलोकेशन कर दिया, उसके बाद अब आपको एसेट्स का मैनेजमेंट करना, तो एसेट्स में रिसोर्सेज को अलोकेट करना है कि करंट एसेट्स में कितना किया, फिक्स्ड में कितना किया, तो एसेट्स का एलोकेशन भी आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। उसके बाद फर्म का पूरा समग्र प्रबंध भी आप ही को करना है, तो फर्म का समग्र प्रबंध में आपको रिसोर्सेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे कि हर एक्टिविटी जो है वो सुचारू रूप से संचालित की जा सके। तो एफएम ही जो है वो उत्पाद प्रबंध को, एफएम जो है वो आपका जो उत्पाद प्रबंधक है उसको परियोजना के विश्लेषण की जानकारी देगा, इससे सारी प्लानिंग कलेक्ट करेगा और उस प्लानिंग पर इसको गाइडेंस देगा कि इस स्टाइल से जो है वो प्रोडक्शन पर आपका ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्या करेगा, सारी जानकारी देकर रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ के कुशल प्रयोग पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेगा। तो जितने भी रिसोर्सेज को इसने प्राप्त किए हैं उन सभी रिसोर्सेज का एक बेटर वे में अलोकेशन करना ताकि हर डिपार्टमेंट की नीड्स फुलफिल हो सके, हर डिपार्टमेंट, हर एक्टिविटी, हर स्टेप जो है वो बेटर वे में कम्प्लीट किया जा सके। उसके बाद आता है आय का आवंटन। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि आय को आपको आवंटित करना है। तो जो भी आय एक व्यवसायिक फर्म में प्राप्त होती है प्रॉफिट के रूप में किसी के रूप में, आपको उसको वापस अलोकेट करना है। वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, बिल्डिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज में लिए हैं, जो भी साधन आपने उत्पादन के काम में लिए हैं या आपकी फैक्ट्री में जो भी इन्वॉल्व है, आप उन सबको वापस आय को अलोकेट करोगे। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड दोगे, डिवेंचर होल्डर को आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो आय का आवंटन जो होगा वो फर्म की फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन है तो अच्छी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, और अगर इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है, बेटर नहीं है, तो आप जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो थोड़ा लोअर रेट ऑफ उस पर निकल करके होगा। उसके बाद आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की, आपकी कैश की रिक्वायरमेंट क्या उसको भी ध्यान रखोगे, कि प्रेजेंट में कैश की रिक्वायरमेंट है तो आप कैश होल्डिंग रखो, और अगर इन फ्यूचर आने वाला है तो आप रिजर्व मेंटेन कर करके रखो। तो इनकम का एलोकेशन करते समय एफएम को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी प्रेजेंट की नीड कितनी है, मेरी फ्यूचर की नीड की है, प्रेजेंट के लिए मैंने क्या प्रोविजन किया और फ्यूचर के लिए मैं क्या प्रोविजन करूंगा, ये देखना भी एफएम का काम होता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है कोषों का नियंत्रण, कंट्रोल ओवर फंड, कि जो भी फंड हमने कलेक्ट किया है एटलीस्ट उस फंड पर कंट्रोल करना भी एफएम का ही बहुत पावरफुल फंक्शन है, कि जिन जिन डिपार्टमेंट को दिया वहाँ उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको जो स्टैंडर्ड दिया उसके अकॉर्डिंग उनकी एफिशिएंसी आ रही है नहीं आ रही है, उनका स्टैंडर्ड क्या डिटर्मिनेट किया गया था, उनकी रियलिटी क्या है, दोनों में कहीं डिवेशन तो नहीं है, डिवेशन है तो उसका कारण क्या है। तो फर्म के ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट है जहाँ कहीं भी रिसोर्सेज लगाए हैं वहाँ कंट्रोल करना, सुपरविजन करना एफएम का पावरफुल काम है। एफएम यह देखता है कि रिसोर्सेज का कहीं भी अगर मिसयूज हो रहा है तो वहाँ वो अपना सुपरविजन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर सकता है, ज़्यादा कंट्रोल अपना बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले जो वित्तीय निष्पादन के प्रमाप निर्धारित किए थे, जो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट किया था उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी रियलिटी है या नहीं, जैसे स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट किया था कि रोज के 500 टन निकल करके आएगा लेकिन निकल करके आ रहा है 450 टन्स, इट मीन्स स्टैंडर्ड हाई था, आपकी रियलिटी, आपकी एफिशिएंसी जो है वो लोअर है, तो यहाँ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि डिवीजन आ रहा है 50 kg या 50 टन का डिवीजन आ रहा है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फर्म काम नहीं कर रही है, तो यहाँ ये जो विचलन आ रहा है इसके लिए वहाँ पर नियंत्रण लगाना जरूरी हो जाएगा। तो प्रमाप की वास्तविकता से तुलना की और वास्तविकता से तुलना कर करके पता लगाया कि कहीं डिवेशन है। उसके बाद आ रहा फर्म के अन्य विभागों से समन्वय, ये भी एफएम का काम होता है कि
कि एक फर्म में वेरियस टाइप्स के डिपार्टमेंट होते हैं, अगर उन डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ उनके बीच में, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो फंड का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फंड का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर एफएम के कार्यों में संदिग्धता आ जाएगी, डाउट आ जाएगा। इस वजह से हर डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना, हर को कोऑर्डिनेट के लिए जो है मोटिवेट करना, हर का प्रॉपर जो है वो टेक केयर करना, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, सब कुछ करना, और उनको समन्वित रूप से काम करेगा, तभी जाकर के फर्म जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तो दीज आर द रिक्यूरिंग फंक्शंस, ये रिक्यूरिंग फंक्शंस होते हैं जो डेली रूटीन में एफएम को करते हैं। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ नॉन रिक्यूरिंग फंक्शन, गैर अनावृत्ति कार्य या अनावृत्ति अनावृत्ति कार्य, गैर आवृत्ति कार्य भी बोलते हैं और अनावृत्ति कार्य भी करते हैं। अनावृत्ति कार्य वह होते हैं जो एक फर्म के एफएम को यदा कदा संपादित करने पड़ते हैं, इट मीन्स जब कुछ स्पेशल कंडीशंस आ जाती है तो एफएम को वो काम करने हैं, वरना डेली रूटीन में ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इनको बोलते हैं कि इनकी आवृत्ति नहीं होती है, ये अनावृत्ति है, एक बार आता है फिर हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में या कुछ टाइम पीरियड में ऐसा काम नहीं करना पड़े। तो सबसे पहला काम होता है इसमें कंपनी के प्रवर्तन के समय योजना का निर्माण करना, कि जब कोई कंपनी सेट हो रही है, उसका प्रमोशन हो रहा है कंपनी का, तो प्रमोशन होते समय उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी कुछ प्लानिंग्स जो है वो प्लानिंग इसी को प्रिपेयर करनी पड़ेगी, योजना का निर्माण करना पड़ता है। कब? एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, जब वो एस्टेब्लिश हो रही है तब उसको सारी प्लानिंग्स इसी को बनानी पड़ेगी। दूसरा आता है सह विलियन के समय एसेट्स का इवेल्युएशन। अब सपोज कीजिए कि दो संस्थाएं आपस में मिल गई, ए और बी, और मिलकर के क्या बन गई, एबीसी बन गई, ए बी फर्म बन गई। तो अब इन दोनों का मर्जर हो गया, सह विलियन हो गया, तो सह विलियन के समय इनकी एसेट्स को इवेल्युएट करना है कि ए की एसेट्स कितनी है, बी की एसेट्स कितनी है, तो ए और बी की एसेट्स कुल मिलाकर के कितनी होगी। तो ये काम भी जो होता है वो एफएम का होता है, वो क्या करता है सेविलियन के समय उनकी एसेट्स को इवेल्युएट कर करके बता देता है कि दोनों संस्थाओं की एसेट्स कितनी कितनी अमाउंट की थी, और कुल मिलाकर के ए बी नाम की जो नई कंपनी बनी है उसकी एसेट्स कितनी होगी। उसके बाद होता है तरलता के अभाव में पुनर्समायोजन। अगर सपोज कीजिए लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस नहीं है, कैश नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करता है, कहीं ना कहीं से उठा पटक कर करके उसको लिक्विडिटी को मैनेज भी करना है। तो जब तरलता की कमी है तो रीएडजस्टमेंट करने का काम भी एफएम का हो जाता है, और कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है, उन विशिष्ट घटनाओं के घटने पर एफएम को थोड़ा ज़्यादा सक्रिय होना पड़ता है, कुछ विशेष प्रकार के काम करने पड़ते हैं जिससे कि वित्त की ना कमी हो और ना वित्त की अधिकता आए और फर्म का काम सुचारू रूप से हो सके। तो इनको हम बोलते हैं अनावृत्ति कार्य। अब आते हैं दैनिक कार्य। दैनिक कार्य मीन्स जो डेली रूटीन में करने होते हैं, ये रूटीन वाले काम होते हैं। ऑलमोस्ट इन काम के लिए किसी फर्म में या तो रोकड़िया होता है, या फिर आपका लिपिक होता है, लेखाकार होता है, अकाउंटेंट होता है, कैशियर्स होते हैं, ऑलमोस्ट यही उस काम को करते हैं। बट एफएम जो होता है, फाइनेंस मैनेजर जो होता है, वो उनको सुपरवाइज जरूर करता है। तो कुल मिलाकर के उन कामों को भी इसी के कामों के अंतर्गत मान लिया जाता है। तो डेली रूटीन में सबसे पहला काम होता है कैश को प्राप्त करना, कि जो भी रोकड़ फर्म में कहीं से आ रही है उस रोकड़ को प्राप्त करने का काम जो है वो एफएम का, वो चेक करेगा कि आज की डेट में कितनी एंट्रीज जो है वो कैश रिसीव की हुई है। तो रोकड़ को प्राप्त करना पहला काम ये होता है। उसके बाद जो होता है उसका वितरण भी करना, कि रियल में ये वापस कैश किस किस को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किसको पे किया जा रहा है, लोन पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस रोकड़ को वापस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी इसी का होता है। उसके बाद होता है कि सपोज कीजिए कुछ कैश बैलेंस बचा, तो उस बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड करना है, क्या है बैलेंस की कंडीशन, सीडी बीडी, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो उस बैलेंस को शो करना भी इसका काम है, ताकि इस बैलेंस को आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जा सके। तो बैलेंस को व्यवस्थित करना, उसके बाद उधार के व्यवहार का लेखा करना, कि अगर कहीं से कोई क्रेडिट फैसिलिटी मिल गई है, आपको क्रेडिट में जो है वो परचेज करने की फैसिलिटी मिल गई है, तो ये हो गया आपने क्रेडिट सेल करी है, तो उधार के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करना, चाहिए फर्म को मिले हो या फर्म ने किसी को दिए हैं, तो उन सब की एंट्री करना। उसके बाद पेंशन व कल्याण योजना, कि हमारे यहाँ बहुत से एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के जो होते हैं आपको पेंशंस और वेलफेयर स्कीम्स में भी फंड ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, वो हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अकाउंट में मंथली जो है वो वेलफेयर स्कीम का पैसा और पेंशन का पैसा जो है वो बराबर
जमा करा सके। उसके बाद शीर्ष मैनेजमेंट को सूचना देना कि हमारा जो टॉप का मैनेजमेंट है उसको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड फ्रॉम फाइनेंस, उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देना, ताकि अगर आपका डिसीजन कोई रॉन्ग था तो वो इसको राइट कर सके। और लास्ट में है राजकीय नियमों का पालन करना कि गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है फाइनेंस को लेकर के, डिविडेंड को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के, सैलरी को लेकर के, तो उन सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। देन दीज आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।